ए क्रॉस कर्ल बी, फिर प्लस बी क्रॉस कर्ल ए प्लस ये हम लोग को प्रूव करना है, तो यहाँ पे प्रूव दैट जरूर लिख दीजिएगा कि हमको ऐसा प्रूव करके दिखाना है। ये अंतिम एक छोटा मतलब ये अंतिम ही इनइक्वालिटी हम कह सकते हैं, अंतिम इनइक्वालिटी है। प्रूव दैट, दैट इज इसी को दूसरे शब्दों में ऐसे करके पूछ सकता है और करके लिख देते हैं हम लोग। देखिए ग्रेडियंट का मतलब डॉट होता है, ग्रेडियंट का मतलब डॉट नहीं होता है, है ना, डेल और यहाँ पे ए डॉट बी। ऑब्वियस है कि ये दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट होकर के स्केलर बन गया, उसके ऊपर डेल लग रहा है मतलब ग्रेडियंट हो रहा है, यहाँ डॉट नहीं है ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू होता है ए क्रॉस कर्ल बी का मतलब डेल क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए का मतलब डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए, फिर बाकी ये जो है एज इट इज ऐसे यहां से यहां तक एज इट इज रहेगा ऐसे, ठीक है यहां तक। देखिए बहुत ही आसान है बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ देखिए, वी हैव हमारे पास क्या है, वी हैव हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट ए डॉट बी अगर आप लेके चलिएगा तो इसको लिख सकते हैं कि डेल और यहां पे क्या है ए डॉट बी। ध्यान दीजिएगा डेल यहां पे ना डॉट है ना क्रॉस है, सीधे सा डेल मल्टीप्लाई विथ दिस। तो आपको पता है कि डेल जब ग्रेडियंट निकालते थे तो ना तो डॉट का यूज होता है ना ही क्रॉस का, तो इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा लगेगा, आई होगा, डॉट ना होगा ना ही क्रॉस होगा, सीधे सा आई और फिर यहां पे क्या डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स यहाँ पे क्या होगा ए डॉट बी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब फिर तुरंत वापस से आते हैं, दिस इज इक्वल टू आई, ठीक है यहाँ पे आई भी ठीक है। अब इसका आप वैल्यू निकालिए, याद है दो एक दो वेक्टर डॉट में रहा है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक को रखेंगे दूसरा करेंगे, दूसरा को रखेंगे पहले को करेंगे, तो क्या होगा कुछ ऐसा, हम ए को डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में दूसरे का डॉट प्लस अब ए को रख लीजिए दूसरे का डिफरेंसेस, यहाँ पे आगे पीछे करिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सिग्मा हम बांट देते हैं दोनों के ऊपर, सिग्मा आई और ये पूरे के साथ, ये पूरे के साथ ऐसे सिग्मा आई इसके साथ चला गया प्लस सिग्मा आई फिर यहाँ पे ये पूरा ले आते हैं ऐसे। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका अलग से वैल्यू निकालेंगे और ला करके यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप एक चीज जरा ध्यान दीजिए कि हम डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे क्या कि हम थोड़ा सा दोनों को सिमिलर करने के लिए, सिमिलर मतलब जैसे ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स उस तरीके से बी डॉट डेल बी बाई डेल एक्स डेल बी बाई डेल एक्स, तो वही चीज हम करने के लिए क्या कर रहे हैं कि आई ठीक है मल्टीप्लाई विथ इसको लिख सकते हैं क्या बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स, बात तो वही है, अब चाहे ये लिखिए दोनों तो बात एक ही है, इसीलिए हमने सेम कर क्यों करेंगे आगे आपको समझ में आएगा कि एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो बस ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर देंगे दूसरे का वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए प्लस अब यहाँ पे नो चेंज, ये जैसे था वैसे ही रहने देते हैं, दिस इज रिलेशन नंबर वन। तो अब देखिए जो हमको चाहिए था ग्रेडियंट ए डॉट बी वो यहां तक बात पहुंच गया है, क्या यहां तक किसी को दिक्कत है बताइए, अगर यहां तक किन्हीं को भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, चलिए यहां तक कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए। क्या किया गया यहां पे क्या गया कि डेल ए डॉट बी पर लग रहा है या दोनों ये ए डॉट बी, ऑब्वियस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर हो जाएगा तो स्केलर पे ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब सीधा ऑपरेट होता है ना ही डॉट ना ही क्रॉस, सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, आप चाहे तो तीन बार लिख देते आई जे के तीन बार प्लस कर, आगे बढ़ गए
फिर यहाँ ए डॉट बी, तो एक को डिफ्रेंशिएट किए डॉट दूसरा, फिर दूसरे को रखे डॉट पहले का डिफ्रेंशिएशन, वही बात है, यहाँ बी को बाहर किए थे यहाँ ए को बाहर किए, फिर आगे बढ़ गए, ये आई इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के, ना ही डॉट ना ही क्रॉस, है ना, ना तो डॉट ना ही क्रॉस, एज इट इज मल्टीप्लाई होकर इसके साथ ए डॉट, मतलब दिस डॉट बी को बी डॉट दिस लिख, रिलेशन नंबर टू। अब इसका वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, इसका वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब निकालेंगे कैसे पता है, एक का निकालेंगे, देखिएगा इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम है, फर्क बस इतना है एक जगह पे बी है बी की जगह पर ए है, तो हम ए का आंसर निकालेंगे, एक का आंसर निकालेंगे और देखेंगे अच्छा एक जगह बी बी की जगह पे इंटरचेंज करें तो दूसरा का आ जाएगा, तो हम एक ही ऊपर मेहनत करेंगे, किस पे मेहनत करेंगे उस पे, तो आपको पता ये क्या है कैसे आएगा, ये इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हमको अलग रास्ता से चलना होगा, कैसे आएगा, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछे जल्दी से, चलिए डाउट नहीं है, वेरी गुड, यहाँ से बस जल्दी से आगे हम लोग खत्म करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, नाउ हम चलते हैं यहां से, नाउ ए क्रॉस कर्ल बी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये कहां से आ गया, ए क्रॉस कर्ल बी तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, ना यहां ना यहां ना कहीं कहीं पर नहीं दिख रहा, एक जगह हमको दिख रहा है ए क्रॉस कर्ल बी, यहां दिख रहा है हमको, तो स्टार्टिंग हम इसी से कर रहे हैं, ए क्रॉस कर्ल बी। आपको पता है जब इसका वैल्यू निकालने जाएंगे ना तो ई वाला बीच में एक जगह आ जाएगा, इसका वैल्यू साइड करके सबको इसका वैल्यू निकाल देंगे तो मजा आ जाएगा, फिर इसीलिए हम यहां से चल रहे हैं। तो कैसे आपको दिमाग में याद रखना है कि हाँ यहां से स्टार्टर है ये, ए क्रॉस कर्ल बी से स्टार्ट करें, ए क्रॉस कर्ल बी का मतलब तो जान ही रहे होंगे आप लोग, ए क्रॉस फिर डेल क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस डेल क्रॉस बी, यही ना जी, ए क्रॉस कर्ल बी का मतलब ये होता है, और इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो ए क्रॉस डेल क्रॉस बी का मतलब होता है सिग्मा आई क्रॉस डेल बी बाय डेल एक्स, ये तो बात हम समझा चुके हैं, आज भी समझाए पहले भी समझाए थे। अच्छा अब जरा यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये चीज आपको पता है कि ये ए जो क्रॉस है, चूंकि आई और जे पर ही सिग्मा लग रहा है, तो इसको हम अंदर कर सकते हैं, तो हम क्या लिख दे रहे हैं इसको कि सिग्मा ए क्रॉस और बाकी ये आई क्रॉस ए, ये पूरा, क्योंकि हमको पता है कि जो सिग्मा रन कर रहा है वो आई पर और एक्स पर, आई से आई के साथ एक आई जे के एक्स वाई सेड, ये ए के साथ तो कुछ नहीं है, तो हम ए को इन कर दिए सिग्मा के अंदर। अब फिर से वही बात है जी, यहाँ पे देखिए इसको हम एक साथ कर रहे हैं ऐसे, अब आपको सिंपली वही फॉर्मूला भाई, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, ये इसके साथ फिर बाहर में आई, फिर ये इसके साथ बाहर में ये, कुछ याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम यूज किए थे, यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले ये इसके साथ डॉट होता है बाहर में ये, फिर इसके साथ डॉट होता है बाहर में सी, ऐसे, और यहाँ पे भी हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा, ऐसे लगा दीजिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ऐसे फिर लिखेंगे हम क्या यहाँ पे सिग्मा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए के साथ अंतिम वाले का, तो ए डॉट डेल बी बाय डेल एक्स, ठीक है, और फिर बाहर में आई माइनस, अब ए डॉट आई बाहर में डेल बी बाय डेल एक्स, ये हो गया इसका पूरा। नेक्स्ट अब थोड़ा सा जरा देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज हमारे पास इस साइड क्या है, इसको अगर हम क्या चाहे तो दोनों में बांट सकते हैं क्या, तो हम इसको दोनों में बांट देते हैं, थोड़ा सा हम दोनों में बांट देते हैं, सिग्मा ए डॉट डेल वी बाई डेल एक्स आई मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इस पे चला जाएगा तो क्या होगा, सिग्मा ए डॉट आई। अब सेम यही चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ये अंदर में कर सकते हैं कि डेल बाई डेल एक्स बाहर में भी वेक्टर, और तुरंत हम बोले थे इसका मतलब था कि ए डॉट डेल बाहर में भी, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए डॉट डेल बाहर में भी, है ना, क्या होगा ए डॉट डेल बाहर में भी, तो ये इसको एज इट इज रहने दीजिए आप, अभी तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, और इसको तुरंत हम लिख सकते हैं कि माइनस ए डॉट डेल बाहर में बी वेक्टर। तो अब जरा आप ही बताइए, दैट इज हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ये है, लेफ्ट साइड में हमारे पास
ये है, थोड़ा सा एकदम धीरज रखते हुए लिखेंगे तो मजा आएगा। देखिए हुआ क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही तुरंत हमने ए डॉट आई डेल बी बाई डेल एक्स था यहाँ पे वेक्टर, ये हमने तुरंत क्या करा, इसको लिख सकते हैं कि ए डॉट आई डॉट डेल बाई डेल एक्स बाहर में, बी बी बाहर में है, तो मतलब जो भी हो आप सीधे से ये बोल सकते हैं कि ये फाइनली डेल बी है और बाहर में इधर से डॉट हो रहा है, तो ए डॉट डेल बाहर में बी, ए डॉट डेल बाहर में बी, ऐसे हो रहा है। और फिर फाइनली तो हमारे एक कर्ल यहां से लेके चले थे यहां तक, बट मुझे तो चाहिए था इसका वैल्यू क्या, देखिए तो ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स बाहर में आई, ए ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स बाहर में आई, बाहर में इधर से आई चाहे उधर से आई, बात एक ही है, तो हमको ये चाहिए था, हमको ये चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट, अगर इसका वैल्यू आपको चाहिए, अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो क्या करिए, इसको इसको इधर ले आ जाइए, तो पहले से लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास, पहले से लेफ्ट साइड में ये प्लस में ही है, रख दीजिए यहाँ पे, और ये वाला माइनस है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस के साथ होगा, प्लस कौन होगा, ये ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू चाहिए था, इसका जो वैल्यू चाहिए था, ये सॉरी इसका जो वैल्यू चाहिए था, हम निकाल के ला के रख लिए, निकाल लिए हैं। अब इसका वैल्यू कैसे मिलेगा, तो कुछ नहीं, जहां ए है जहां बी है आपस में इंटरचेंज, बी की जगह पे ए, एक जगह पे बी कर देना है, देख लीजिए यहाँ पे बी की जगह पे ए करिए, एक जगह बी करिए, तो क्या यही नहीं बन जाएगा, तो मतलब इसका जो आंसर आया है, बाय इंटरचेंजिंग ए एंड बी वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय इंटरचेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी गेट, या दैट सिमिलरली लिखिएगा, सिमिलरली सिग्मा सिग्मा बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स बाहर में आई, देख रहे हैं एक जगह पे बी, बी की जगह पे ए हो गया, तो यहां पे भी क्या होगा, ए की जगह पे बी हो जाएगा, क्रॉस कर्ल ए हो जाएगा, बस जहां बी वहां ए हो रहा है, प्लस ए डॉट डेल था, तो अब क्या होगा, बी डॉट डेल बाहर में ए, क्या लिखेंगे हम रीजन में, बाय इंटरचेंजिंग, चेंजिंग ए एंड बी, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू आ चुका है, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग दीज वैल्यू इन रिलेशन नंबर वन, दोनों ही वैल्यू को रिलेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाए, तो पहले हमको ये पुट करना है, फिर ये पुट करना है, देख लीजिए रिलेशन वन में पहले इसका वैल्यू, देन इसका वैल्यू, तो नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन रिलेशन नंबर वन, वी गेट पुटिंग दीज वैल्यू वैल्यू इन वन वी गेट क्या मिलेगा, सर देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट ए डॉट बी है इधर लेफ्ट साइड में, ये तो वही रहेगा, ग्रेडियंट ए डॉट बी बराबर, यहाँ पे पहले इसका वैल्यू है बी क्रॉस कर्ल ए बराबर, बी क्रॉस कर्ल ए, फिर प्लस बी डॉट डेल ए, प्लस बी डॉट डेल बाहर में ए, फिर उसके बाद प्लस दूसरे वाले का वैल्यू क्या था, ये एक का वैल्यू हुआ है, दूसरे का वैल्यू था ए क्रॉस कर्ल बी, फिर प्लस फिर था ए डॉट डेल, ए डॉट डेल बाहर में बी, तो अगर आपको चाहिए कि कर्ल वाला एक साथ रखिए तो लिख दीजिए, तो कर्ल वाला हमको क्या चाहिए था क्वेश्चन में, कर्ल वाला पहले चाहिए था, तो हम क्या करते हैं रीअरेंजिंग, सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये कर्ल वाला पहले लिख लेते हैं, फिर इसको हम प्लस साइन के साथ प्लस में है तो यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड में लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या चाहिए था हमको, थर्ड नंबर में ए वाला चाहिए, ए डॉट डेल, तो थर्ड नंबर में उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं बस, और क्या, थर्ड प्लस साइन के साथ जो है इसको थर्ड को ले आके लिख देते हैं, फोर्थ में ये बचा इसको लिख देते, प्रूव्ड, कुछ भी नहीं है नया। अब आप लोग का काम है कि एक एक क्वेश्चन को एटलीस्ट तीन बार करना होगा, कम से कम दो से तीन बार करना होगा, दो से तीन बार, जो कि थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, थोड़ा मुश्किल काम है, जो बच्चा तीन बार करेंगे वो वेक्टर में आसानी से मार्क्स उठाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बताइए एक मतलब जरा भी मेहनत नहीं है, थोड़ा सा बस सीखना है, बस हो गया काम खत्म, आ गया 10 मार्क्स 15 मार्क्स इस तरीके से इसमें मार्क्स भी आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें इस तरीके से हैं, अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछिए यहाँ पे, चलिए बताइए यहाँ पे कोई डाउट्स हो तो पूछिए आप लोग, ठीक है, तो बस यही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लासेस में आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को, ठीक ना।